بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين सूर हज आयत नंबर थर्टी सेवन खुदा तक इन जानवरों का गोश जाने वाला है और नाखून इसकी बारगाह में सिर्फ तुम्हारा तकबा जाता है और इसी तरह हमने इन जानवरों को तुम्हारा ताबे बना दिया कि खुदा की दी हुई हिदायत पर इसकी किबरियाई का ऐलान करो और नए कमल करने वालों को बशारत दे दो दुआ के खुदा वंद व ताली इस साल भी तमाम मुसलमानों को हज़रत इब्राहीमरत इस्माइल और हज़रत हाजरा सलाम की याद को ताज़ा रखने के लिए जो अल्लाह अल्लाबहाना ने हज का हुक्म दिया है उसे बजा लाएँ हज में जो वाजिब क़ुरबानी है उसे बजा लाएँ और साथ ही तालीमत रसूल सौर तलीमत अल बैतुस के मुताबिक गैर हाजियों के लिए जो कुर्बानी मुस्हब मौक् है उसे अदा करने की तोफ़ी अता फ़रमाएँ लेकिन ये याद रखें कि उसके ठीक एक महीने बाद इस्लाम की बका के लिए और दुश्मनान इस्लाम या बल्फ दीगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल् वसम के ख़िलाफ़ साजिशों करने वाले वालों के चेहरों से जिस तरह से इमाम हुसैन आलामाम ने अपनी शहादत के ज़रिए से नकाब हटाया तो उस शहादत को भी याद रखने की तोफ़ी अता फ़रमाए लहजा हज में जितने अरकान हैं वो सब के सब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इसमाइल और हज़रत हाजरा सलातम के आमाल को याद दिलाते हैं और इसी तरह से आजादारी इमाम हुसैन आल सलामाम में जितनी भी रसूमात हैं वो भी इमाम हुसैन अलसलाम और हरम रसूल अलैहि वसल्लम के मसाइब को याद दिलाती हैं कुर्बानी का असल हदफ़ यह है कि हम हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा सलाम की याद और कुर्बानी को बाकी रखें लेकिन अफसोस के साथ जो काम इस्लामी ममालिक उमूमन और पाकिस्तान और इंडिया में खसूस अंजाम दिए जाते हैं उससे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा आलैम सलातम की याद ताज़ा कम होती है बल्कि इस्लाम का मज़ाक ज़्यादा बनता है खसूसा इंडिया और पाकिस्तान में क्योंकि जितना कुर्बानी का इंडिया पाकिस्तान में है इतना कहीं भी दुनिया इस्लाम में नहीं है अब यहाँ पर हम ये गुफ्तू नहीं कर रहे कि क़ुरबानी न हो या कम हो बल्कि हम गुफ्तु ये कर रहे हैं कि सबसे पहले तोज्जो रहे कि ये कुर्बानी खुसूसन अल्लाह सुबहाना हूँ वाली के लिए हो अब वो बड़े बड़े जानवर अगर कोई लाता है तो उस पर हम शक नहीं करते उसकी नीयत पर लेकिन उसकी तवज्जो जानब दिलाएंगे कि पचास लाख के बैल के जिसमें ज़्यादा चर्बी निकले क्या उससे बेहतर नहीं कि फिर पचास बैल हों कि जिनका गोश्त ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके बस ये नुमाइशी जानवरों की कुर्बानी अगर कोई करता है तो उसके हम अमल पर शक नहीं करते उसने जन ही करेंगे लेकिन फिर भी उसे मशवरा देंगे कि इतने पैसों के एवज या इतने रुपए के एवज बहुत ज़्यादा जानवर कुर्बान किए जा सकते हैं कि जिनका गोश भी बिला शक ज़्यादा होगा और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा ये जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की खसूस की कि तवज्जो दिलाएँ कि जी कुर्बानी मुस्तब मौक् है या बाज़ अहले सुन्नत के नज़दीक वाजिब है हम इस मौजू को डिस्कस नहीं कर रहे ये डिस्कस कर रहे हैं कि कुर्बानी है ना मुस्तब या वाजिब गंदगी फैलाना तो या वाजिब नहीं है क्या गली में खून फैलाना वो भी बरसात के अयाम में क्या वाक़न ये इस्लामी तलीमत के मुताबिक है या ख़िलाफ़ है अवल तो बरसात ना भी हो लेकिन बरसात में ज़्यादा कबाहत है लिहाजा इस साल भी कुर्बानी का मौसम मानसून के आसपास है बस अगर ये कुर्बानी के अयाम मानसून के आसपास हों या ना हों हमें कल्चर बनाना चाहिए कि जानवरों को गलियों में जबा ना किया जाए बल्कि मैदान में जाकर कोई चबूतरा सा बनाया जाए कोई जगह बनाई जाए और वहाँ पर जानवरों को एक एक करके ज़िबा किया जाए वहीं पर कुछ अहतमाम हो उनकी कटाई का सफाई का और जितना खून है वो किसी गढ़े में चला जाए ताकि गंदगी ना हो शायद इंडिया पाकिस्तान के हम लोगों को ये गंदगी देख देख के गंदगी की आदत हो चुकी है वरना कुर्बानी के अयाम में अगर कोई दूसरे दिन और मज़हब का फ़र्द आए तो वो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा की कुर्बानी को याद नहीं रखेगा बल्कि हमेशा इस गंदगी को याद रखेगा बस पहली तवज्जो है इस खून की जानब और फिर जो आलाइश हैं कोशिश की जाए कि उन्हें किसी बयाबान में डाला जाए ताकि कुछ अरसे के बाद वो ज़मीन भी इस फर्टिलाइज़र की वजह से बहुत अच्छी हो जाए और किसी पॉजिटिव चीज़ में इस्तेमाल हो क़ुरबानी के साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जगह सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल होती हैं कि जिनमें एक गाय के पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि वाखन जानवर के पीछे शायद जानवर भाग रहे हैं और उससे जो एक तासर मिलता है ये कि ये कैसी कौम है क्या इसको शूर रही कि एक जानवर इस वक्त परेशान है घबराया हुआ है अगर उसको काबू करना है तो उसके पीछे भागना नहीं है बल्कि सब दूर हट जाएं, और कोई चारा वगैरह ला के डाल दिया जाए लिहाजा जितना लोग भागते हैं उतनी ही शिद्दत से वो जानवर भागता है और वो जानवर भी हलाकत में पड़ता है और कई लोगों की हलाकत का या बिलाखिर किसी न किसी प्रॉब्लम का सबब भी बनता है लेकिन साथ ही जब वो वीडियो वायरल होती है तो उससे मुसलमान ममालिक आई के क्यू के लेवल का पता चलता है कि ये जानते ही नहीं हैं किसी जानवर को काबू करने के लिए प्यार और मोहब्बत से उसके सामने उसका खाना या गज़ा डाली जाए और उसकी घबराहट कम होने के बाद उसे कंट्रोल किया जाए या उसके पीछे भगा भगा के और ज़्यादा उसको परेशान कर दिया जाए तो लिहाजा ऐसा काम अगर कभी हो कोई गाय भाग जाए तो लोगों में इतना शौर होना चाहिए कि उसके पीछे ना भागें फिर बाज़ दफ़ा बाज वीडियोज़ नज़र आएँ कि गाय को छत पर पाला गया है अगर छत पर पालना ही था और बच्चे को तो छत पर ले गए थे तो अगर बचपन से उस बच्चे को हर एक आध दिन के बाद उतारा जाता और फिर चढ़ाया जाता तो उसको आदत हो जाती उतरने और चढ़ने की हत्या नॉर्मल सीढ़ियों से भी गाय उतर जाती है। वो अपनी जगह बना लेती हैं लेकिन इस तरह से क्रेन से उतारना कि जो गाय की हलाकत का सबब हो फिर उसके बाद पाकिस्तान की या कुर्बानी के मज़ाक का सबब हो ये मुनासिब काम नहीं है कुछ वीडियोस वायरल हुई थी कि गाय भाग रही है या कंट्रोल से बाहर है फिर उसको फायर करके मारा गया तो एक जानब ये काम कि जो ग़ैर मुनासिब हैं फिर दूसरी जानब उनको वायरल वायरल करना और दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचना कि ईद क़रबा पर मुसलमान बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं क्योंकि यही लोगों के जहन में तसवुर उभरता है। हजरत इब्राहीम हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा सलातम की याद से ज़्यादा इन बेतुकी चीज़ों की याद सोशल मीडिया पर सालों बाकी रहती है लिहाजा ये हम सब पर लाजिम है कि इस तरह से जानवरों को ज़बह किया जाए कि जिसका खून रोडों पर ना फैले अफसोस होता है देखे के बाद वो लोग के जिनके घर बड़े हैं हती उनके यहाँ गुंजाइश है गाड़ी पार्क करने की हती उस हिस्से और गेट के दरमियान नाली भी बनी हुई है लेकिन वो जानवर जो है हमेशा घर के बाहर जो स्लोप या गल गल जो गली है वहाँ पर ज़बा करते हैं यानी उनमें यह शूर नहीं है कि ऐसे अगर पक्की जगह पर बा करके पानी डाल के ये खून नाली में बहा देते तो बेहतर था बजाय ये कि दरवाज़े से ज़रा बाहर उसे बा किया जाए और खून और पानी गली में डाला जाए और फिर हम तोज्जो दिलाएं कि अगर ये चीज़ें बीमारी का सबब बनती हैं और कतन बीमारी का सबब बनती हैं खूस मानसून के मौसम में तो ये काम हम तो फतवा नहीं दे सकते लेकिन अगर ये हलाकत का सबब हो बीमारियों का सबब हो तो शक ये काम जायज़ नहीं होगा दुआ के खुदा तबारक वाल हम सबको जितने भी अरकान इस्लाम हैं उन्हें सही तरीक़े से अदा करने की तौफीक अता मुहम्मद व सल् महमदुम